व्यू। और ये देखो, ये है किश्तवाड़ के इलाके, वहाँ पे ये हमारा जट भाई। जट भाई ठीक एकदम मजे में बस सही है। है का वो रेशमी रुमाल एक्चुअली में ये आ गया भाई, वो रेशमा लेके साथ तेरा रेशमी रुमाल तेरा रेशमी। 2 दिन बाद फोन कर लेना। 2 दिन बाद चलो ठीक है ना। सिमरन भाई, अच्छा भाई सिमरन भाई सो निकल चुके हैं यहाँ से। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए दिन के साथ और स्पेशल व्लॉग में आप लोगों का। सो गाइस किरण वैली का व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हमने भी। सो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करेंगे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आपके साथ शेयर करूँगा। सो आपको घर में देखने को मिलेगा, मैं भी जाऊँगा घूमने के लिए, मुझे भी मज़ा आएगा। सो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस और क्या। सो आज मैं जा रहा हूँ, यहाँ जाऊँगा डक्सम, यहाँ सिंथन टॉप जाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि वहाँ से एक भाई आ रहा है जो कि एक व्लॉगर है, बहुत ज़्यादा मशहूर व्लॉगर है, मोटू व्लॉगर वो भी है। सो मैंने सोचा आज एक मिनट व्लॉग हो जाएगा। सो अभी क्या करता हूँ, अभी घर से निकलता हूँ तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। जो भी बातें होंगी बाकी तो वो मैं बाइक पे करूँगा आपके साथ। सो आज ना वो किश्तवाड़ में रुका हुआ है, आज रात वो वहीं पर रुका हुआ। तो आज सुबह वो निकलेगा, उसको जाना है श्रीनगर की ओर, तो वहाँ से जाएगा वो लद्दाख। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, मिलता हूँ मैं आपको बाइक पर डायरेक्ट। अब तो चलिए अभी निकल चुका हूँ मैं अपने घर से। सो मैं जाऊँगा चबल के रास्ते से। मौसम चेक कर लो, आज मौसम भी बहुत ही बढ़िया मौसम है। थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा भी आ रही है ना, वरना तो धूप भी बहुत ज़्यादा होती थी और गर्मी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती थी यार। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की राइड में, जिसको ना देखते थे लगभग 3 साल से देखते थे, आज उससे मुलाकात हो जाएगा। थंबनेल में तो आपको पता चलेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है अपना जट प्रभजोत भाई जो कि दिल्ली से है। वो ना अभी 2-3 दिन के लिए लगभग यहाँ है। उसने सचपाच भी किया है कल, और आज वो किश्तवाड़ में रुका हुआ है। आज वो सुबह निकल चुका है वहाँ से, शायद सिंथन टॉप या डक्सम में मिलेगा, देखते हैं। उसी रास्ते से आ रहा है वो, मैं भी निकल चुका हूँ अब यहाँ से। सुबह सुबह ना बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और धूप भी थोड़ी थोड़ी सी निकल चुकी है आज। अब ना मेरा भी ड्रीम बन चुका है कि सच पास करने का, जो कि जट प्रभजोत ने कल किया है सच पास। इससे भी पहले भी किया था उसने 4 साल पहले, और अब मेरा भी ड्रीम हो चुका है सच पास। इंशाल्लाह करेंगे, बनाएंगे प्लान। अब यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट की ओर, इसी रास्ते से वो आ रहा है। आप देखते हैं आगे मुलाकात कहाँ पे होगा। तो अभी ना वो निकल चुके होंगे वहाँ पे, जो कि किश्तवाड़ का इलाका है, वहाँ से वो निकल चुके होंगे, सुबह ही निकल चुके होंगे। अभी मैं भी चल रहा हूँ, देखते हैं कहाँ पे मुलाकात होगा जट प्रभजोत से। लगभग वहाँ से 2 घंटे का सफ़र किश्तवाड़ से लगभग सिंथन टॉप पहुँचने को लगेगा उसको भी। ये जो ये रोड है ना, ये हमें करेगा जम्मू से कनेक्ट है, यहाँ से हमें आसानी हो जाएगा जम्मू तक पहुँचने में। यही रोड न्यू रोड बन रहा है, अभी इसकी टनल बन रही है, आगे किश्तवाड़ से जाएगा ये रोड। फिर तो जो सिंथन टॉप है ना वो कट हो जाएगा, क्योंकि जब विंटर का टाइम होता है वहाँ पे बर्फ़, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इसकी वजह से ना वो रोड फिर कट हो जाता है विंटर में। तो इसकी वजह से जब भी बर्फ़ होगी, बर्फ़ के महीने में ना वो उस टाइम भी हम जा सकते हैं जम्मू। जम्मू जाने का फिर आसान रास्ता यही से होगा। बहुत ही बढ़िया रोड बन रहा है, ये टनल का काम अभी जारी है वहाँ पर, पता नहीं वो कब तैयार होगी टनल। रोड तो बिल्कुल ओके हो चुका है। She talks so sweet, it's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really be oh, आज तो ये पुल भी बन चुका है। 2-3 बार इस पुल को बनाया गया था, फिर सैलाब आता था तो फिर ये नीचे गिर जाता था पुल। यहाँ से सिंथन टॉप 34 किलोमीटर है यहाँ से सिंथन टॉप। आप अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद लासन है सर। रिजवान हुसैन खान, रिजवान रिजवान दीपोरा। आ तपरी सिंथन टॉप तक रिजवान हुसैन खान सो यहाँ से हो चुकी है एंट्री। एंट्री के बिना यहाँ पे नहीं जाने देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए ज़रूर। यहाँ पे रोड भी नया बन चुका है। इससे पहले मैं आया था एक बार यहाँ पे विंटर में, जब वो सिंथन टॉप फेस्टिवल था ना, उस टाइम रोड तो उतना ठीक नहीं। तो अभी ना आधी चढ़ाई भी मैंने क्रॉस नहीं की है और यहाँ पे ना धूप, बिल्कुल भी धूप नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है क्योंकि हवा भी तेज़ चल रही है यहाँ से। यार यहाँ पे ना एक बच्चा पैदल चल रहा है, उसको उठाते हैं, उसको देखते हैं कहाँ पे जाना है। मैं भूल गया उसको उठाना। ये बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है और इसके पास बैग भी है, इसको उठाते हैं। कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? वहाँ ऊपर ऊपर। अच्छा चलो। चकोची का सुन गर्ड की ना कहीं। यार सामने देखो, व्यू देखो, चेक कर लो यार। ओहो जैसे कि जन्नत की राइड कर रहे हैं हम, जन्नत की ओर चल रहे हैं। जैसे खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे कश्मीर में। यार आपको हर जगह देखने को मिलेगी ये खूबसूरत नज़ारे, ये प्यारे प्यारे से व्यू। इन्हीं के लिए ये कश्मीर ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और टूरिज़म अटैचमेंट के लिए ये ज़्यादा खूबसूरत है। सो पहुँचने वाला हूँ मैं सिंथन टॉप। ये देखो आप सामने बोर्ड सिंथन टॉप का, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पे। आज तो उतना मुश्किल नहीं है, आज आसान है। विंटर में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे पहुंचना। ये देखो यहाँ पे हो। अब इस बाइक को यहाँ पे छोड़ा है मैंने। बिना पहुंच चुका हूँ मैं यहाँ पे। पहले व्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे चारों तरफ ये है व्यू और ये स्टॉल लगे हुए हैं। वहाँ पे है एक स्टॉल वहाँ पे। और ये यहाँ से ना जम्मू है, 315 किलोमीटर है यहाँ से जम्मू। किश्तवाड़ है 83 किलोमीटर यहाँ। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ जट प्रभजोत को यहाँ से, क्योंकि अभी मैंने किश्तवाड़ फ़ोन किया है एक भाई को। उसने कहा कि अभी उसको लगेगा लगभग 1-2 घंटे लगेंगे उसको यहाँ पे पहुँचने में। सो ये चेक कर लो। अभी यहाँ से दिखाऊँगा मैं आप लोगों को किश्तवाड़ का व्यू। दिखाऊँ क्या? दिखाऊँ तो चले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किश्तवाड़ का व्यू। ओहो ड्रीम है वहाँ पर भी जाने का, किश्तवाड़ जाने का। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है वहाँ से भी व्यू। और ये देखो ये है किश्तवाड़ के इलाके वहाँ पे। और ये है किश्तवाड़ का सड़क। करो देखो सड़क कैसी बनाई गई है। ये देखो आप यहाँ से जा रहा है ये रोड। इससे पहले भी मैं गया था आगे, जो कि सिंथन टॉप फेस्टिवल था ना, वो इससे आगे था, बहुत ज़्यादा आगे था इससे भी। उस टाइम यार यहाँ पे बर्फ़, इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी ना क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। आप वो व्लॉग देखना यहाँ पे कितनी बर्फ़ थी उस टाइम। ये पहाड़ ना सारे ढके हुए थे बर्फ़ से। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पे भी इतना ज़्यादा बर्फ़ था उस टाइम। तो ना अभी चाय पीने के लिए गया था, वहाँ पे मैंने चाय पी है, जो कि वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। सो वहाँ पे सुना है कि भाई लोग आ रहे थे वहाँ पे ना, वो किश्तवाड़ से आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कोई किसी बाइक वाले को देखा वहाँ पे? उन्होंने कहा कि 2-3 बाइक वाले मैंने देखा है वहाँ पे आते हुए। सो मैंने उनको फ़ोटो दिखाए। उन्होंने कहा कि हाँ यही बाइक वाले आ रहे हैं। तो वो नीचे एंट्री करवा रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पे पहुँच गए क्योंकि ये गाड़ी में आए हुए हैं। पता नहीं वो वहाँ पे रुके हुए कि कुछ खा रहे होंगे। सो मैं इनका फिर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिर से आ चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे ना दूर नज़र आ रहा है। तो फाइनली वेट ख़त्म हो चुका है। मिल चुके हैं भाई लोग, आ रहे हैं वहाँ से, उस मोड़ से आ रहे हैं वो। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जो ये वाला मोड़ क्रॉस करेंगे ना, यहीं से आ रहे हैं वो देखो भाई लोग आ रहे हैं वहाँ से। ये देखो चल के आ रहे हो। ये देखो भाई लोग, जट आगे चल रहा है शायद। अब मैं चलता हूँ सीधा ऊपर की तरफ, वहीं से मिलाऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी ना इनको 2-3 मोड़ यहाँ से क्रॉस करने हैं। तब तक वो भी पहुँच जाएंगे, मैं भी पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। अब वहीं पे मिलते हैं। ये चेक कर लो आगे हमारा जट भाई। ये देखो ये हमारा जट भाई। जट भाई ठीक एकदम मजे में। बस बढ़िया। हेलो सिमरन भाई, हाँ कैसे हो? ठीक मजे में। बढ़िया। कैसा रहा सफ़र? बहुत बढ़िया, बहुत। चलो ठीक है। ये देखो अब हमारा जट भाई यहाँ पे पंचर निकालेगा इस बाइक में, क्योंकि यहाँ पे ना कोई पंचर वाला नहीं है नीचे तक। बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनको भी घर लेने में इस बाइक को। पल्सर बाइक है यहाँ पे। अपना सुमेरन भाई यहाँ पे। कर दिया काम तमाम। तो भाई ने यहाँ पे पंचर निकाला इन भाई का। इस बाइक में पंचर हुआ था। हल्का तो बाहर रहने देता है ना, बाइक चले के कट जाएगा ना। वो क्या खड़ा कर ले जिंदगी पर, बाइकें तो चलाई। यहाँ पे है फिर डुकाटी जो कि भाई ने नई ली थी, और भाई का सेटअप यहाँ पे है। देखो हमारा अब क्लियर दिख रहा है। कौवा देख भाई, यहाँ का कौवे इतने बड़े बड़े क्यों है? यहाँ पे होते हैं। ये तो सर अभी स्मॉल साइज है, जैसे वो जो हम्टी डम्टी सिटिंग होना वो बोटे बोटे कौवा। ये रे कौवा वाले भैया ब्लास्ट कर जा रहे हैं। सारा अपना सामान ये इधर वाले टेंट में रखते हैं। रात में यही फेर के ना उनके पास। कवर रेडी है। चलो 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 भैया, भैया कवर रेडी है। चलो वो रेडी है भाई। कभी मन नहीं हो रहा यहाँ पे, सर्दी बहुत ज्यादा होती है। कहवा पीते हैं, कश्मीर का फेमस कहवा। और ये बहुत ही बढ़िया गाना गाते हैं। एक हो जाए तुमने थोड़ी डांड बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है। का वो रेशमी रुमाल एक्चुअली में ये आगे भाई वो रेशमा लेके साथ तेरा रेशमी रुमाल तेरा रेशमा ले गई भाई का रुमाल रेशमा ले गई। अभी बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत तगड़ी सी बारिश हो रही है। और जट भाई वगैरह ये निकल रहे हैं श्रीनगर की ओर। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा क्योंकि बारिश गिर रही है ना। मेरे पास रेनकोट वगैरह नहीं है, मैं भूल गया हूँ घर में। सो अभी ये जा रहे हैं यहाँ से, इनको अलविदा करते हैं। अभी ये निकलते हैं यहाँ से। ये देखो सिंथन टॉप से निकल रहे हैं। बारिश भी ना बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश हो रही है। इनके साथ मैं जाऊँगा, थोड़ा आगे तक जाऊँगा इनके साथ। अभी दो दिन बाद फ़ोन कर लेना। 2 दिन बाद? चलो ठीक है। तो आप करते हैं भाई को बाय। तो आप ये निकल रहे हैं यहाँ से, मैं वेट करूँगा जब तक बारिश ख़त्म होगी। ये देखो अब अपना सिमरन भाई। अच्छा भाई सिमरन भाई, सो निकल चुके हैं यहाँ से। अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ना थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो चुका है। इस टेंट में थे और ये भाई मिले थे यहाँ पे। भाई है यहाँ पे। भाई आप आओ यहाँ पे। ये भाई यहाँ पे है, बढ़िया चाय बनाता है। हाँ यहाँ पे चाय पियो। और रिजवान को जरूर फॉलो करें यार। तो चलो शुक्रिया, शुक्रिया। फॉलो करें, ये भी दिखा दो आधार कार्ड किसी का गुम हुआ अगर किसी। और यहाँ पे आधार कार्ड किसी का गुम हुआ है। ये देखो यहाँ पे आधार कार्ड अगर किसी का है ना, वो स्टैंड पे आ जाओ, यहाँ पे आपको आधार कार्ड मिलेगा, मिल जाएगा। सो बाइक की हालत देखो, बारिश ने पूरी बाइक भीग गई है। अब ये सिंथन टॉप को करते हैं यहाँ से बाय बाय। मुझे जाना है 72 किलोमीटर जाना है मुझे। अब 72 किलोमीटर जाना है अब अनंतनाग। सो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो मैंने मोबाइल रखूँगा बैग में क्योंकि बारिश हो रही है, वाटरप्रूफ तो मोबाइल नहीं है। सो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। सो फ़िलहाल मैं यहाँ पे पहुँच चुका था। यहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई है, तगड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं अभी ठहरा हूँ। और ये लगाई है मैंने अपनी बाइक यहाँ पे साइड पे। सो बारिश चेक कर लो आप, कितनी ज़्यादा बारिश तेज़ हो रही है। ये देखो यहाँ पे मैं अभी रुका हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी छाव है। तो अभी घर पहुँच चुका हूँ, कपड़े वापड़े चेंज किए क्योंकि ना पूरा भीग गया हूँ मैं बारिश से। बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सो अभी फ़िलहाल घर पहुंच चुका हूं। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंडिंग। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और एक चीज़ मैं भूल गया, सो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में कुछ भी कमी नज़र आ रही है ना, सो आप कमेंट करके बताना कि यहाँ पे भाई ये गलती हुई है। सो अगले वीडियो में आप लोगों को वो कमी दूर दिखाई देगी। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।